एटीट्यूड ये बड़ा कॉमनली यूज वर्ड है आप भी यूज़ करते होंगे किसी का आपको देखा करें यार इसका तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है ये तो बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है हर इंसान बड़ा कैजली सेंटेंस को यूज़ कर सकता है जहाँ लगता है कि भाई आदमी कोई एरोगेंट है या उसको लगता है कि वो उसके हिसाब से कुछ नहीं कर रहा है लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ तो बताइए कैसे डिफाइन करेंगे एटीट्यूड को यूज़ तो आप करते हैं लेकिन एटीट्यूड क्या है मैं कहता हूँ एटीट्यूड इज आल्टीट्यूड ऑफ लाइफ कहने का मतलब है कि जैसे आपके एटीट्यूड होगा उससे ही आपकी जिंदगी की ऊंचाई आपको मिलेगी हिंदी में कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत है ये जो मनोभावना है इंसान का वही इंसान को हार के लिए ओर ले जाता है या जीत की ओर ले जाता है मनोभावना ही इंसान को बड़ा और छोटा बनाता है सिचुएशन ही खो सकता है लेकिन आपका रिस्पॉन्स अलग होगा एटीट्यूड इसी डिफिनेशन को कहते हैं कि स्टमुलस एंड रिस्पॉन्स का दोनों तो का रिलेशन क्या है सिचुएशन एक हो सकता है समस्याएं एक हो सकती हैं लेकिन हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपनी मनोदशा के हिसाब से अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करता है और इसी के अकॉर्डिंगली उसका भविष्य निर्धारित होता है इसी के अकॉर्डिंगली उसका प्रोग्रेस निर्धारित होता है यह डिसाइड हो जाता है कि वो आगे करने वाला क्या है एक कहानी आपको सुनाता हूँ एक बार एक संत महात्मा गांव से गुजर रहे थे उनके साथ जो शिष्य चल रहा था अचानक उसने पूछा गुरु जी आप हमेशा एटीट्यूड की बात करते हैं ये एटीट्यूड होता क्या है जरा आज मुझे प्लीज समझा दीजिए गुरु जी ने कहा अच्छा चलो ये जो क्वेश्चन तुमने पूछा ये का जवाब हम ये तीन लोग जो ईंट बना रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं गांव वालों से इस पर शिष्य बड़ा नाराज हुआ उसने कहा कि आप विद्वान हैं आप मेरे गुरु हैं मैं भी अनपढ़ नहीं हूँ मैंने भी आपके अंदर विद्या प्राप्त की है आपको नहीं बताना मत बताइए लेकिन मेरा अनादर क्यों कर रहे हैं कि आप इन मूर्खों से जाकर कह रहे हैं कि उनसे पूछिए कि एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है इस पर गुरु जी हंसकर बोले बोले बेटा एटीट्यूड का पहला प्रॉब्लम यही है इंसान ये मान लेता है कि जो मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है बाकी लोग तो अनपढ़ हैं सबसे पहले एटीट्यूड का पहला टाइप है बी ओपन टू लर्निंग हमेशा अपने आप को खुश रखो ओपन रखो कहीं से भी कोई विद्या आ जाती है देखो क्या हुआ चाणक्य के बारे में तुमने सुना है चंदगुप्त बारे में सुना है तुमने चाणक्य और चंद्रगुप्त लगातार हार रहे थे मगध पर आक्रमण किए जा रहे थे एक बार उनकी सेना बिल्कुल विध्वंस हो गई और उसके बाद अपने शरण लेने के लिए मध्य प्रदेश के किसी गांव में एक किसी घर में उन्होंने शरण ली जहां उनके लिए एक महिला भोजन बना रही थी उस महिला को पता नहीं था कि उस घर घर में जो शरणार्थी हैं चाणक्य चंद्रगुप्त हैं लेकिन वो महिला अपने बेटे को खाना खिला रही थी जब उसने खाना खिलाया उस पर खाना परोसा तो बच्चे को उसने एक बार डांटा जिस डांट को चाणक्य चंद्रगुप्त एक शरणार्थी के रूप में सुन रहे थे उन्होंने मिस्त्री ने कहा कि तुम वैसे ही मूर्ख हो जैसे कि चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं आप सोचेंगे कैसा क्यों डांटा उसको उन्होंने इसलिए चूंकि जो उसका बेटा था वो जो गर्म खाना है मान लीजिए वो खीर था तो वो बीज से खा रहा था यदि रोटी है तो बीज से तोड़ रहा था तो वो जो खाना बीज से खाने की को कोशिश कर रहा था उसका बार बार हाथ जल रहा था या उसको असफल हो रहा था तो उसने यही कमेंट किया कि तुम वैसे ही मूर्ख हो जैसे कि चाणक्य चंद्रगुप्त हैं अब देखिए एटीट्यूड ऑफ चाणक्य चंद्रगुप्त का इतने विद्वान आदमी शक्तिशाली उनको क्रोध आना चाहिए था कि महिला हमारी मजाक बना रही है लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया उनको तुरंत ज्ञान आया महिला हमारी सही शिक्षक बन गई सही शिक्षिका बन गई क्योंकि ये मुझे वो ध्यान दिला रही है जो आज तक हमारा ध्यान नहीं गया हम लगातार मगध को हम डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं पाने की कोशिश कर रहे हैं ये वैसा ही है जैसे कि, कि गर्म खाने को एक थाली में हम बी से खाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि पूरी टेरिटरी अभी नहीं जीती गई है हम बार बार मगध पर डायरेक्ट आक्रमण कर रहे हैं तो उन्होंने यहीं से स्ट्रैटेजी चेंज की वह फिर बाहरी प्रदेशों को पहले जीता नॉर्थ वेस्ट के सारे टेरिटरी को उन्होंने जीता और फिर अपनी शक्ति को मजबूत की तब जाकर के फिर मगध को पराक्रमण किया और इस प्रकार से उनका विजय प्राप्त हुआ और मौर्य वंश की स्थापना की गई तो जो से सीखने वाले हैं समझने वाले हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा अपनी सुनने की ताकत को बढ़ा के रखते हैं खुल के रखते हैं कि कहीं से कोई भी उनको आभास हो सकता है दूसरी कहानी आपने बुद्ध की सुनी होगी आपको मालूम है कि बुद्ध की सही जो उनके शिक्षक कौन था उसका सही गुरु कौन बना आप बहुत नाम आ सकते हैं विद्वानों के नहीं एक गांव की एक अनपढ़ लड़की जिसका नाम सुजाता था उनको रोज देख करके तरस करती थी जब वो बहुत ज्यादा घोर तपस्या कर रहे थे वो बार बार उसको कहते थे कि तू मर जाएगा कुछ खा ले उस अबोध इंसान को पता नहीं था कि वो कर क्या रहे लेकिन उसको लगा कि शायद वो अपने को टॉर्चर कर रहा है लेकिन एक दिन उसने कमेंट कर दिया जब बुद्ध जो है ऑलमोस्ट जर्जर हालत में मरने खासिलत में थे उसने कहा कि बीने के तार को इतना मत कस दो कि वो टूट जाए और उसको इतना ढीला मत छोड़ो कि वो उससे आवाज ही ना निकले और यही मध्यम मार्ग का मध्य मार्ग का जो मध्यम मार्ग जिसको कहते हैं मिडिल पाथ बुद्धा का वो आधार बन गया और यहाँ से बुद्ध ने वो खाना खाए अपनी तपस्या तोड़ी और फिर वो मेडिटेशन में गए और मेडिजेशन से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वही मध्यम मार्ग का आधार बना तो बुद्ध जैसे इंसान भी सिर्फ अच्छी चीज़ को सुनने की ताकत के कारण से उनका एटीट्यूड कि पॉजिटिव था ओपन था तो उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया इस बात को सुनने के बाद आप समझ सकते हो कि इस विद्यार्थी ने क्या कहा होगा कहा ठीक है गुरुजी हम चलते हैं उनसे चल के समझते हैं कि क्या करते हैं हमारे जो तीन लोग ईट बना रहे हैं फिर गुरुजी वो तीन ईट वालों के पास गए एक एक करके उनसे सवाल सेम सवाल पूछा एक ही बात पूछी उन पहले से पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो पता है उसने क्या किया वो गुस्से में उठा गुर्राता हुआ और बोला अंधे हो दिखाई नहीं देता है ईट बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ गुरु बोले अच्छा ठीक है भाई तुम बैठ जाओ कोई बात नहीं फिर वो दूसरे के पास गए सेम सवाल उसे पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो दूसरे ने कहा गुरु जी मैं थोड़े ईद बना रहा हूं ताकि थोड़े धन कमाऊँ और अपने परिवार की रक्षा कर सको उनका लालन पालन कर सको बोले भाई तुम भी बैठ जाओ फिर वो तीसरे के पास गए उसको पूछे तुम क्या कर रहे हो वो बड़ा उत्साह में उठा तीसरा व्यक्ति बड़ा मुस्कुराते हुए हंसते हुए उठा और उसने कहा गुरुजी मैं एक बहुत बड़ी महल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ अब देखिए सवाल एक है काम भी एक ही है पर तीनों का एटीट्यूड अलग है जब सोचिए पहले का एटीट्यूड क्या है सवाल तो बड़ा सिंपल था क्या कर रहे हो उसने ये नहीं कहा कि ईट बना रहा हूँ उसने सीधे कहा ने दिखाई नहीं दे रहा क्या पता चलता है इसका मतलब वो व्यक्ति वे अपने काम से खुश नहीं वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है शायद उसको ऐसा लगता है कि वो शायद ज़्यादा काबिल है और उसको ईट बनाना पड़ रहा है किस्मत से बहुत सारे लोग ऐसा अपने जीवन में कहते फिरते हैं कि क्या करें इतना पढ़ लिख करके मैं बेकार हो गया मेरे किसी काम के नहीं हुआ मैं तो किसी काम को बना नहीं चूँकि वो डिग्निटी लेबर को नहीं समझते उसका मजाक बनाते हैं और ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं बढ़ता चूंकि ज़िंदगी भर उसको छोड़ेगा भी नहीं और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कहता रहेगा तो मैं तो ज़्यादा काबिल था लेकिन क्या करें अनएम्प्लॉयमेंट है गरीबी है इसलिए मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ अरे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता उसको आप कैसे देखते हैं उसी नज़रिया से आपको बड़ा छोटा बनता है दूसरा व्यक्ति को देखिए वो आम आदमी है साधारण व्यक्ति है वो अपनी रोजी रोटी में विश्वास करता है वो काम खुश है अपना रोट अपना ईट बना रहा है और अपने परिवार का लालन पालन करेगा ये आम व्यक्ति है लेकिन तीसरे व्यक्ति को देखिए उस विजनरी है क्रिएटिव है इन्वेंटर है वो भी बना रहे हैं ईट पर उसकी निगाहें जो हैं वो महल पे है क्योंकि वो जानता है ईट से ही महल बनता है कुछ ऐसा काम करेगा कि ईट में इनोवेशन करेगा ईट में क्वालिटी लाएगा जिसका डिमांड बढ़ेगा वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा एक दिन अमीर बनेगा और निश्चित है वो महल बना डालेगा इसी तरह से आप जो आप किसी चीज़ को लक्ष्य बनाते हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं आप भी किताबें वही पढ़ेंगे सेम मटेरियल होगा सेम टीचर होंगे अब एक है कि या तो पहले ईट वाले जैसे आप सोचते रहेंगे अरे यार बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है यू ने इतना सिलेबस दे दिया है मजबूरी में किए जा रहे हैं भाई कोई भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बोझ लगेगा सपोज की अकबर बादशाह के बारे में पढ़ रहे हैं आपको लगेगा इतनी लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी अकबर को जो सब याद करना पड़ रहा है एक एक डेट फिर रटना पड़ेगा आपको वो बड़ा बोरिंग लगेगा आपको लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट है आप क्यूरियस हैं पॉजिटिव माइंड के हैं तो आपका ध्यान जाएगा कि एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध क्यों लड़ना पड़ा तीसरा क्यों उसके परिणाम क्या थे अकबर को ग्रेट क्यों कहते हैं वो योद्धा फाइटर होने के बावजूद भी इतना बड़ा व्यक्ति क्यों ग्रेट कहलाया ये सारे आपका ध्यान जाएगा और वो चीज़ें आपकी अपने आप स्मृति में आते चली जाएगी ये इंसान की ओपननेस एंड एटीट्यूड है तो ये क्रिएटिविटी जो है एक ओपननेस है जो इंसान को आगे बढ़ाता है तो जब जो भी काम आप करते हैं पहले सोच समझ के डिसीजन लें कि आप जेन्यूली करना चाहते हैं जो मैंने कहा हुआ मैं कहता हूँ हमेशा वाट वाई हाउ ये सारा चीज़ें का आंसर होना चाहिए कि वैन कब करना चाहते हो यदि आपका गोल क्लियर है तो फिर उसके प्रति एटीट्यूड जो है आपका वो इस तरह के होना चाहिए जैसे कि तीसरे इट बनाने वाले का था कि वो लगातार पढ़ तो रहा है एन किताब तैयारी कर रहा है सिविल सर्विसेज के नाम पर अखबार पढ़ रहा है लेकिन उसकी निगाहें हैं कि एक दिन में जब मैं आई एस बनूंगा तो देश की सेवा में मैं कहाँ से कहाँ तक सफर करूँगा एक एस डी एम से लेकर का जो है कैबिनेट सेक्रेटरी से का जो सफ़र है वो उसके विजन में होगा कि हर रोल में हम क्या करेंगे एक ए से लेकर के डी पुलिस एंड टॉप ऑफ द आई बी का डायरेक्टर और ऐसे वो विजुलाइज़ करेगा फॉरन सर्विसेज एम्बेसडर बनने की बात करेगा अलग अलग सर्विस के टॉप मज तक वो जो जर्नी है थर्टी टू फोर्टी ईयर्स ऑफ सर्विस वो हर जगह अपनी काबिलियत को बढ़ता हुआ देखेगा और आप यदि उस फ्रेम में जाते हैं तो अपना योगदान देखेंगे कि हम अपनी कंट्री को क्या देने वाले हैं अपनी साथ साथ काबिलियत बढ़ाकर करने के लिए इसलिए ऑलवेज़ कीप योर एटीट्यूड वेरी वेरी हाई एंड क्लियर थिंक ऑलवेज बिग देर इज़ ए मैजिक इन थिंकिंग बिग जितना बड़ा सोचेंगे उतना हर काम कोई काम आसान और भारी नहीं होता हम उसको भारी बनाते हैं उसको मुश्किल बनाते हैं रूट टू सक्सेस इज़ ऑलवेज सिंपल रादर यू शुड मेक इट सिंपल आम तौर पे जो हारने वाला व्यक्ति होता है अपने रूट को कॉम्प्लेक्स बनाता है, 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 कॉम्प्लिकेटेड रखता करता करता टाइम खराब लेकिन जो करना चाहता है वो अपनी जगह बनाता है और ये डेफिनेशन हमेशा अपने लाइफ में एटीट्यूड से आता है थैंक थैंक यू वेरी मच.